हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम शंकर सिंह। आज मैं आपको फूड वेस्टेज को रोकने के बारे में बताना चाहता हूँ। फूड रोकने का पहला हमारा तरीका है, जैसे कि स्टूडेंट्स जो खाना खाते हैं यहाँ पे अशोका यूनिवर्सिटी कैंटीन में, स्टूडेंट को उतना ही खाना लेना चाहिए जितना वो खा सके। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, हम सब मिलकर ही प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। मैंने कोशिश की थी आप सब लोगों के साथ मिलकर, लेकिन एक छोटा सा इशू ये रहा कि कई बार गलतियां हो जाती, जैसे मैं गिलास रखता था ऊपर उसमें चम्मच लगा देता था, तो ताकि प्लास्टिक ना वेस्ट हो, तो बच्चे कभी कभार उस गिलास को गिरा देते थे, जो मेरे लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो बस मैं कोशिश यही कर सकता हूँ कि अपनी तरफ से कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें। पेपर वेस्टेज के बारे में बताता हूँ आपको, जो हमारे नैपकिन्स वगैरह यूज़ होती है उनको हमें यूज़ कर कम करना चाहिए, और जो टोकन काटे जाते हैं ऑनलाइन टोकन्स कटाने चाहिए अशोका साइट्स की। एक पेपर प्लेट, प्लास्टिक प्लेट और प्लास्टिक ग्लास, लीड, चम्मच वगैरह बंद कर दिया अभी, जैसे हमें बच्चों ने सजेशन दिया था। और हम सोच रहे हैं कि बच्चे खुद अपनी प्लेट, मतलब प्लेट लेके आए और हम बिल्कुल मतलब प्लास्टिक बंद कर दें। गीला कचरा हरे वाली गार्बेज में, सूखा काले वाली में। Students, I can say there is a very good activity going on which students can take part in. It's a kitchen garden which is easily noticeable in front of hostel number 3. We're currently expanding it. We're bringing it a little bit towards hostel number 2 as well as we'll try to do it in front of hostel number 4 as well, which is coming up soon. बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपना जैसे प्लेट ये ज़्यादा यूज करें, डिस्पोजल ज़्यादा यूज ना करें। Implementing is the most difficult task right now we are facing, and when it comes to implementation, very few students come and cooperate. रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ग्रीन का कचरा, गीला कचरा ग्रीन में ही डालें और सूखा कचरा ब्लैक में डालें। गीला कचरा जो उसका यूज किया जाता है, खाद बनता है, अगर गलती से ये गीले में डाल दे तो नुकसान हो सकता है। गाइस, लेट्स कम टुगेदर एंड सेव द प्रेशियस एनवायरनमेंट गॉड हैज गिवन अस। हेल्प अस आउट, वी कुड यूज एवरी बिट ऑफ हेल्प पॉसिबल।